पांच राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। इसी बीच AIMIM के मुखिया और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर वार किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि राहुल गांधी PM नरेंद्र मोदी जैसा वादा कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा, कांग्रेस के एक लीडर राहुल गांधी आए, प्यारे ने आकर कह दिया कि KCR ने इतना पैसा लिया, हम आकर वापस कर देंगे, यानी ये मोदी 2 हो गए। 2014 में PM मोदी बोले थे कि 15 लाख हर एक के अकाउंट में डालूंगा, वो 15 लाख की जगह 15 पैसे नहीं आए तो ये बोले कि उनका डायलॉग मैं मार लेता हूँ। मगर यहाँ पर इनके बड़े बड़े लोग आते हैं, बुलंद बांग दावे करते हैं, इनके एक लीडर आए राहुल गांधी, प्यारे ने आकर कह दिया कि KCR ने इतना पैसा लिया, हम आके वापिस कर देंगे, माने ये मोदी 2 हो गया। ये 2014 में मोदी बोले थे 15 लाख हर एक के अकाउंट में डालूंगा, वो 15 लाख की जगह 15 पैसे नहीं आए तो इन्हू बोले भाई उसका डायलॉग मैं मार लेता हूं, तो इन्हू बोल रहे मैं आऊंगा मैं निकाल लूंगा। ये जो काम जो मैं आपके सामने रखा हूं, बताइए ये काम किसके फायदे आ रहे, किसका फायदा हो रहा है, किसके बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने तेलंगाना के अम्बतपल्ली गांव में एक सभा को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर जोरदार निशाना साधा था। राहुल गांधी ने कहा था कि तेलंगाना की जनता से 1,00,000 करोड़ रुपए यहां चोरी किए गए थे और यहां पर किसी का फायदा नहीं हुआ है, इसलिए मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था कि यहाँ हुआ क्या है। तेलंगाना की जनता से 1,00,000 करोड़ रुपया यहाँ चोरी किया गया था। తెలంగాణ ప్రజలకు సంబంధించిన సంపద 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు దోపిడీ జరిగింది. ఆర్ యహాన్ పే కిసీ కా ఫాయిదా నహీ హువా హై. ఇక్కడ ఎవరికి కూడా లాభం జరగలే. ఇస్లియే మే అప్నీ ఆంఖో సే దేఖనా చాతా థా యహాన్ హువా క్యా హై. అందుకోసమే నేను సొంతగా వచ్చి నా కళ్ళను ద్వారా నేను చూడదలుచుకున్నాను ఇక్కడ ఏమైందని. యహాన్ పే హమారే జో వర్కర్స్ హై యే ఆప్ బిల్కుల్ సహీ కహ రహే హో. ఇక్కడ TRS पार्टी का ATM है। बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि जो आपके चीफ मिनिस्टर ने जनता से चोरी किया है उसकी सबसे बड़ी चोट हमारी महिलाओं को लगी है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि जितने पैसे आपके चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना की जनता से चोरी किया है उतना ही पैसा हम तेलंगाना की जनता के बैंक अकाउंट में डालने जा रहे हैं।